गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सिक्स के चैप्टर हिस्ट्री चैप्टर फाइव को आज हम शुरू कर रहे हैं। व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस, बहुत जो चीज़ें हैं जो हमारे किताबों के माध्यम से या ज़मीन में बहुत सारे जो लोग दफना दिए गए उनकी कब्रों से बहुत की जानकारियाँ मिल जाती हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज वैदिक पीरियड एंड मेगालिथिक पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। डू यू नो अबाउट देयर इज ए विलेज इन द कर्नाटका कॉल्ड मैटूर वेयर पीपुल स्पीक ओनली संस्कृत। कर्नाटक में एक प्रदेश जगह है, मैटूर गाँव है, जहाँ पर सारे लोग संस्कृत बोलते हैं। इस तरह देखते हैं कि बहुत सारे पुजारी लोग संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, पूजा कराते हैं, तो ये हमारे मन में आता है कि ये इसकी श्लोक लिखा किसने था। तो आइए हम डिस्कस अबाउट द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वी हैव इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द रीजन ऑफ और डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन कारण में हम लोग चर्चा किए थे, उसमें एक जगह का स्थान आता है कि द पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया सेंट्रल एशिया कम केम इन इंडिया। और इस तरह कहा जाता है दक्षिण ये मध्य एशिया से बहुत सारे ट्राइब जो हमारे देश में आई और यहाँ पर आकर के सिंधु घाटी सभ्यता को उन्होंने नष्ट कर दिया। इस बहुत लोग इसमें अपने चारागाह की तलाश में एक जगह दूसरी जगह आए और एक जगह दूसरी जगह चले गए। उसमें उनको आर्य के नाम से जाना जाता है, दीज आर नोन एज आर्य। और जो भारत में आए उनको इंडो आर्य के नाम से जाना जाता है, दे आर नोन एज इंडो आर्यंस। द लैंड विद दे इनहेबिटेड आर नोन एज आर्यावर्त। और जिस जगह पर ये शुरू में रहे उनको आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। और उनका समय कहा जाता है कि 1500 BCE के बीच ये भारत में आकर बसे। नाउ डिस्कस अबाउट द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड ऑफ आर्यंस आर वैदिक लिटरेचर। आर्य लोग इस समय जो हमारे देश में आए उनके बारे में मुख्य रूप से जानकारी जो वैदिक साहित्य जो है उसी के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी इसको वे द वैदिक पीरियड इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा गया है, एक वैदिक ऋग्वैदिक काल का कहता है और उसके बाद के वाले समय को उत्तर लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर क्या था? द वर्ड वेदा इज डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत। संस्कृत सबसे वेद निकला हो जिसका अर्थ होता है नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान होता है। वेद का मतलब ज्ञान होता है। तो ये हमारे चार वेद हुए थे, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेद हो जाते हैं। और चारों वेद के अलग प्रत्येक वेद के में चार भाग हो जाते हैं, जिसको संहिता कहा जाता है, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये चार भाग हो जाते हैं प्रत्येक वेद के। तो सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद हो जाता है और उसके बाद तीन वेद की रचना हुई। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हमारे दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत ऑल्सो शेड इम्पोर्टेंस डेवलपमेंट ऑफ द लैदिक वैदिक पीरियड। लैदिक उत्तर वैदिक काल के बारे में रामायण और महाभारत से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो हम आइए देख लेते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसके 10 भागों में बांटा गया है। और टोटल अगर देखा जाए तो 1028 हिम्स, यानी 1028 स्तोत्र हैं ऋग्वेद में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद में, पहले देख रहे हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं और ये खास करके ये मंत्र डायलॉग के रूप में लिखे गए जो देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा उनसे बातचीत के माध्यम से रूप में कहा गया है। और ये एक जगह से दूसरे जगह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उस समय जब लिखने की कला विकसित नहीं थी
एक गुरु जी लोग अपने शिष्य को सुनाते थे और शिष्य अपने शिष्य को ऐसे एक जगह दूसरे वेद को सुन करके लोग याद रखते थे, इसलिए वेदों को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे वेद में मुख्य रूप से ऋग्वैदिक पीरियड में 33 देवताओं के बारे में लिखा गया है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता थे तो आपके इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, सोम हो गए, उनकी स्तुति में बहुत सारे श्लोक और मंत्र लिखे गए। तो वैदिक संस्कृत जो है, आज जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग हटकर है। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा वेद होता है यजुर्वेद, और यजुर्वेद इसमें अधिकतर रीति रिवाज अनुष्ठान के बारे में लिखा गया। उस समय जानवरों को बलि दी जाती थी, सो मेनी एनिमल कैटल्स सेक्रीफाइड फॉर प्लीजिंग द गॉड्स, भगवान खुश करने के लिए बहुत सारे जानवरों की बलि दी जाती थे, सेक्रीफाइस करके बलि देकर के देवताओं को खुश करने की कोशिश की जाती थी। तीसरा वेद होता है सामवेद, इसको इस वेद में ये 1549 कह सकते हैं स्तोत्र मंत्र हैं इसमें, और अधिकतर 75 अगर स्तोत्र को छोड़ दिया जाए, बाकी के ऋग्वेद से ही लिया गया है और उसको लय में लिखा गया है ताकि देवताओं को खुश करने के लिए गाया जा सके। They are strictly chanted during ceremony. सेरेमनी जो समारोह को होता था उस समय साम वेद को गाया जाता था ताकि देवताओं को खुश किया जा सके। सबसे अंतिम वेद हो जाता है अथर्ववेद। इन दिस देर आर 20 चैप्टर्स एंड 731 हाइम्स, 771 स्त्रोत्र हैं इसमें, और मुख्य रूप से इसमें इविल स्पिरिट बुरी आत्माओं की मुक्ति के लिए बहुत सारे स्त्रोत्र और मंत्र लिखे गए हैं, उनसे मुक्ति के लिए ताबीज और बहुत सारी चीज़ों की इसमें चर्चा है अथर्ववेद में, उससे मुक्ति के लिए इसमें बहुत सारे स्त्रोत्र और मंत्र दिए गए हैं। इस तरह ये हमारे चार वेद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी डिस्कस अदर मैटर्स। थैंक यू।